आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन की मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन उनको कोई असर होता हुआ नहीं दिखता। और इस दौरान वो आपको बेहद याद करते थे कि काश आप उनके साथ होते हैं। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई कैन फील कि आपका अभी अभी आपके पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है, लेकिन ब्रेकअप होने के बावजूद भी आपका पर्सन आपके लिए फील करता है। कहीं ना कहीं आई कैन सेंस कि आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी यादें हैं जो आप दोनों के दिलों में पनप रही हैं। आई गेट अ वाइब कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आप भी उनके बारे में सोचते होंगे। भले ही आप एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेहद प्यार है। आई कैन फील कि आपके पर्सन ने आपको कभी अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, या तो वो उस कंडीशन में नहीं थे कि आपको बता पाए, या उनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस थे और आपको बता नहीं पाए। ऑल इन ऑल, इस कनेक्शन को आपके पर्सन ने कभी क्लैरिटी नहीं दी, हमेशा असमंजस में रखा। आई कैन ऑल्सो सी कि आपके पर्सन के साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से उनके मन में डर बैठ गया है। उनको ये सब चीज़ें हैंडल करने से डर लगता है। वो सोचते हैं कि उनसे कोई भी कनेक्शन अच्छे से नहीं निभाया जाएगा, क्योंकि उनके मन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपका पर्सन आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता, ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने अपनी भावनाएँ आपको व्यक्त इसलिए ही नहीं की कि कहीं आप उन्हें समझो ना, या आप उनका मन ना दुखा दो। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। आपने उनको बेहद समझा, लेकिन वो ही इतने कंफ्यूज थे कि समझ नहीं पाए और रिश्ता यूं ही टूट गया। आई फील कि आपको अपने कनेक्शन के पैटर्न्स को देखना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सभी कनेक्शन से उभर कर आ रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है, या प्रॉब्लम खड़ी होने के कारण बन रही है। एंड आपको ये भी पता लगाना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको सबसे ज़्यादा दुख पहुँचा, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अंदर ही अंदर दबी हुई है जिसको हील करने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी डरते हो अपनी तरफ से पूरी तरह से कमिटमेंट देने के लिए। इट ऑल्सो फील्स कि आपका पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। उनको लाइफ में स्टेबिलिटी की नीड है। उनकी सोच एक जगह टिक कर नहीं रहती। कभी कभी उनको लगता है कि वो आपसे दोबारा बात करने को तैयार हैं, और कभी कभी उनको लगता है कि वो नहीं कर सकते। आई गेस उनको अभी टाइम चाहिए ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं और आगे स्टेप्स उठा पाएं। बट आई बिलीव कि आपके बीच में सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो आपको लेकर काफ़ी डीप फीलिंग्स रखते हैं। वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं और चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। I also get a vibe कि आपकी लाइफ में जल्द खुशियाँ आने वाली है। I can sense कि आपका भी एक बहुत खूबसूरत परिवार होगा आपके पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों जल्द एक दूसरे से मिलेंगे और शादी करेंगे। आप एक नए इंसान के रूप में उभर कर आएंगे। अभी आप जितना भी हताश और परेशान हैं, वो सब दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है। आपने हमेशा चाहा कि ये कनेक्शन हमेशा ही बना रहे, इसमें कोई अड़चन ना आए, आपका भी एक सुख भरा परिवार हो। आई ऑल्सो फील कि कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप बीच में परेशान होते भी हो, तो कोई ऐसी ताकत, या कह लो भगवान की कृपा, जो आपको पूरी तरह से टूटने से बचा लेती है। और यकीन मानिए, भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। आई बिलीव कि अभी आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और आपको अपनी साइड से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन के टूटने में आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अपने पर्सन का,
क्योंकि आपका पर्सन खुद आएगा आपसे माफ़ी मांगने, आपको मनाने। कहीं ना कहीं वो बेहद शर्मिंदा हैं अपनी हरकतों को लेकर, इसलिए उन्होंने मन बना लिया है कि आपके पास आ जाएं और माफ़ी मांगी जाए। आई फील आपका कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, या तो आप अपना रियल सेल्फ होकर बात नहीं कर रहे उनसे, या वो नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आप दोनों अंदर से एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ फील करते हैं लेकिन बाहर से दिखाते नहीं हैं, जो एक प्रॉब्लम है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका कनेक्शन पहले जैसा हो जाए तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना होगा सही वक्त का, क्योंकि कभी कभी रिश्ते अच्छे होते हैं लेकिन वक्त ख़राब होता है। आई स्ट्रांगली फील कि फ्यूचर में आप दोनों के साथ कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होने वाला है। आई कैन ऑल्सो सेंस कि आपके पर्सन के मन में नकारात्मक विचार भरे पड़े हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, वो रिश्ते अच्छे नहीं बना पाएंगे, वो आपको नहीं मना पाएंगे। और ज़्यादातर बातें उन्होंने अपने आप को दुख भरी ही बताई हैं। कुछ यूं भी प्रतीत होता है कि आप उन्हें दुख में उनके साथ ज़्यादा खड़े रहे हो और वो नहीं रहे। आई कैन फील कि वो आपके साथ आपके मुश्किल दौर में खड़े रहना चाहते थे, लेकिन उनकी खुद की परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, या यूं कह लीजिए कि उनके खुद के विचारों ने उनको इस कदर घेर लिया कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाए कि आपको भी उनका वक्त चाहिए, उनका प्यार चाहिए, जो वो नहीं दे पा रहे। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। डीप डाउन आपका पर्सन ये रियलाइज़ करता है कि आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, आपने हमेशा उनको सहारा दिया, उनको समझा, जो वो नहीं समझ पाए, और इस बात का उन्हें बेहद दुख है। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन की मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन उनको कोई असर होता हुआ नहीं दिखता, और इस दौरान वो आपको बेहद याद करते थे कि काश आप उनके साथ होते। वो आपके साथ एक सुकून भरी मुलाकात की आशा रखते हैं और सोचते हैं कि उनको ही चीज़ें ठीक करनी होंगी अगर वो सुकून भरी मुलाकात चाहते हैं तो। आई ऑल्सो फील कि आपके फ्रेंड्स भी आप दोनों को मिलाने की सोचते रहते हैं, वो आप दोनों से छुपकर कुछ प्लान कर रहे हैं जिससे आप दोनों अचानक मिल जाएं और आपके बीच में सुलह हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा हो जिससे आप दोनों ही चकाचौंध हो जाएं। आई सी कि आप इस कनेक्शन की वजह से अपने करियर पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे। आपके बहुत सपने थे लेकिन इस कनेक्शन से दुख मिलने के बाद वो भी कहीं ओझल हो गए हैं। आई फील कि आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो और आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े सपने देखे थे जिनको आप पूरा करना चाहते थे। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते थे, लेकिन अब आपको सब कुछ बिखरा बिखरा नज़र आता है। पर ऐसा नहीं है, आपको अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दूर तक जाएंगे। और एक बार फिर मेरा यकीन मानिए कि आपके करियर के लिए भी आने वाला वक्त बेहद हसीन रहेगा, आप ज़िंदगी की ऊंची-ऊंची इमारतों को जल्द छुएंगे। डीप डाउन आपका पर्सन भी यही चाहता है कि आप अपने सपने पूरे करें, आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ें, ताकि उनको आपके ऊपर गर्व महसूस हो सके और असीम खुशी मिल सके। आई गेस कि आपके कनेक्शन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत थी, जिसका आप दोनों के ऊपर काफ़ी बोझ था। आप दोनों ही इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे कि फ्यूचर में कैसा चलेगा, या फ्यूचर साथ बिताना है तो फाइनेंशियली सिक्योर होना बेहद ज़रूरी है, जो आप दोनों में से कोई एक कहीं ना कहीं नहीं था। बट आने वाले टाइम आप दोनों के लिए बेहद ख़ास होगा, आप दोनों की ही काफ़ी तरक्की होगी और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का बोझ सर से उतर जाएगा, एंड तब चीज़ें आसान होंगी। जैसे अगर आप फ्यूचर का भी सोचोगे तो
तो ये चीज़ बाधा बन के नहीं उत्पन्न होगी। आई स्ट्रांगली फील कि अभी आपको नहीं लगता कि फ़िलहाल कुछ सुधार आपके कनेक्शन में हो सकता है, आपको टाइम चाहिए। लेकिन जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, खुद को ही नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे कि आपको भी क्या चाहिए क्या नहीं, तब तक ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप और आपका पर्सन आने वाले टाइम में ज़रूर एक होंगे, लेकिन फ़िलहाल आप दोनों के पास टाइम है खुद को देने का, खुद को इम्प्रूव करने का, जो आगे जाके इस कनेक्शन के रंग में भी उभर कर आएगा। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाहता है। प्योरिटी। यूनिकॉर्न प्योरिटी का सिंबल होते हैं। इस कार्ड के जरिए फेरी आपसे कहना चाह रही है कि ये समय है खुद के दिल में झांकने का। जो भी आपके क्वेश्चंस या सिचुएशन है, वो सब आपको अपने दिल में छुपे मिलेंगे। इवन अगर आपको अपनी काबिलियत पर डाउट है, तो अपने माइंड के बियॉन्ड डीप विदिन जाकर देखिए। वो प्योर हार्ट ही आपको डीपेस्ट ट्रूथ एंड विजडम रिवील करेगा। परहैप्स आपको अपने चैलेंजिंग हालातों पर रोशनी डालने के लिए भी अपने हार्ट की प्योरिटी की डेप्थ में जाना होगा। फेरी आपसे ये भी कहना चाह रही है कि आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। आप अपने हार्ट की प्योरिटी से अपने माइंड की इन थॉट्स को भी काम डाउन कर सकते हो। माइंड आपके आगे हजारों लाखों सवाल रखेगा, लेकिन हार्ट के पास सिर्फ एक ही जवाब होगा, और वो जवाब है प्यार, सब चीज़ का आंसर। उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।